नमस्कार दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले क्रिप्टो मार्केट के बीच में जो अपडेट्स आ रही हैं उस अपडेट पे बात करेंगे। ज्यादा जो भी अपडेट है सारा कुछ हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पर जो मैं नहीं करता आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट के बीच में जो भी अपडेट्स आती हैं, कॉल्स आती हैं, मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर देता हूँ, जिसको यूज़ करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं और एक यूज़ मनी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। फ्री है, कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं, तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हो क्रिप्टो हिंदुस्तान, तब भी आपको चैनल मिल जाता है। या फिर जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उस पर भी टैप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आपको सही लगे आप उस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। कभी कभी लिंक में दिक्कत आती है, तो इस वजह से आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाकर सर्च भी कर सकते हो क्रिप्टो हिंदुस्तान, तब भी आपको चैनल मिल जाएगा। तो आप समझते हैं मार्केट में क्या क्या अपडेट आ रही है और करंटली क्रिप्टो में वॉल्यूम क्यों गिरा है। अगर आप देखोगे तो 24 आवर के अंदर में मार्केट के बीच में से जो पैसा है लगभग 2.5% तक निकाल लिया गया। अभी रेट में बहुत से जो बायर हैं वो यहाँ पर सेलिंग के मूड में है और इस समय ज़्यादातर सेलिंग यहाँ पर कर रहे हैं। अभी सेलिंग क्यों की जा रही है, इसके पीछे क्या सीन है, इस चीज़ को लेकर हम समझते हैं अच्छे से कि आखिरकार इतना ज़्यादा मार्केट में डाउनफॉल क्यों हुआ है। जब इतना ज़्यादा मार्केट बुलिश हो रहा था तब जाकर ऐसी क्या एक्टिविटी हुई कि प्राइस के बीच में डिक्रीजमेंट आना स्टार्ट हो गया। इसके पीछे दो सीन है, एक तो है हमारे इंडिया से अपडेट आ रहा है, दूसरा यहाँ पर XRP का सीन है, जो कि XRP को लेकर यहाँ पर एक आपने नाम सुना होगा कि इनका ETF आने वाला है। इस तरह से एक आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कहीं ना कहीं से, जिसके बीच में चल रहा था कि XRP ट्रस्ट जो है अपना जो ETF है वो फील कर रहा है और इस वजह से जो XRP है उसका प्राइस भी लगभग 11 से 12% तक कल की डेट में बढ़ गया था। तो बढ़ने के बाद यहाँ पे उस एक न्यूज़ को अगर देखा जाए तो जब चेक करा गया तो वो न्यूज़ का कोई भी खंडन जब करना स्टार्ट करा तो उसमें कोई कैसे तो सत्य नहीं था, सब झूठ था, यानी फेक न्यूज़ थी, जिसके बीच में बताया गया था कि यहाँ पर XRP का जो है ETF आने वाला है। तो फिलहाल तो आपको बोलूँगा कि ETF को लेकर जो न्यूज़ थी वो यहाँ पे फेक न्यूज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। इस समय जो कुछ न्यूज़ वाली वेबसाइट्स हैं वो कह रही हैं कि न्यूज़ फेक थी, इस वजह से जो होल्डर्स थे, जिन लोगों ने अभी यहाँ पे बाइंग बनानी स्टार्ट कर रही थी, वो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग के मूड में आ गए। इस वजह से आपको लगभग इसके बीच में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखना शुरू हो गया होगा XRP के बीच में भी। तो ये सारा कुछ हो रहा है इन्हीं वजह से, यहाँ पे इन्होंने सारा मार्केट में थोड़ा रचा। जैसे आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में जब पंप होता है तो उसके बाद वो डंप करवाने को लेकर भी काम करते हैं, क्योंकि कल की डेट में लोग ज़्यादातर लॉन्ग पोजीशन ओपन करके बैठे थे, जब क्योंकि न्यूज़ आने के बाद लोगों ने XRP में बहुत ज़्यादा इस न्यूज़ की वजह से लॉन्ग पोजीशन ओपन करी होगी, उसके बाद ही ये न्यूज़ आ गई, ये फेक न्यूज़ है। और इसके बाद जाकर फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो सभी लोगों ने यहाँ पे जो है अच्छा खासा लॉस करा होगा, क्योंकि मार्केट वहाँ से शॉर्ट होना शुरू हो गई थी। तो यही चीज़ें हैं जो कि आपको पकड़नी चाहिए मार्केट में, जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमेशा से जो वेल्स हैं उनका टारगेट है कि छोटे मोटे मछलियों को एक साथ निकल जाना, और इस वजह से आप सबको यहाँ पर थोड़ा सा समझ के चलना होगा फ्यूचर अगर आप करते हैं। और जहाँ तक बात हुई स्पॉट ट्रेडर्स, तो स्पॉट ट्रेडर्स को ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पहले ही बुक कर रखा है। जैसे मैंने दिवाली से पहले भी आपको बराबर बताया कि प्रॉफिट बुक करना है हमें, और प्रॉफिट बराबर सभी लोग बुक कर भी रहे हैं। तो प्रॉफिट जब तक बुक करते रहोगे कभी आपको कोई चिंता नहीं होगी, ना कोई दिक्कत आएगी, और जैसे जैसे मार्केट होगा हम वैसे यहाँ पे परफॉर्म करते रहेंगे। अब समझते हैं कि कुछ इंडिया से क्या अपडेट आई है। तो यहाँ पे हमारे इंडिया के बीच में एक बंदे ने जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर एक याचिका की थी, एक पटिशन यहाँ पे दिया था, जिस पटिशन के बीच में उसका कहना था कि यहाँ पे जो क्रिप्टो मार्केट है इस पे रेगुलेशन और यहाँ पे जो भी करना है बहुत जल्दी करने के लिए आप इस पे प्रेशर बनाइए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया के बीच में सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से जो भी फैसला आता है तो सबको मानना पड़ता है, चाहे वो कोई राजनेता हो या फिर कोई नॉर्मल बंदा हो, यानी कह सकते सबसे ऊपर यहाँ पे इन्हीं को माना जाता है। तो यहाँ पे एक ये जो चीज़ जब गई तो पटिशन को देखते हुए वहाँ पे दो जज थे, तो दोनों जज ने यहाँ पे मिलकर, जैसे एक तो थे JD जी और दूसरे थे मनोज मिश्रा जी, तो दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक फैसला सुनाया। उन्होंने बोला कि ये जो पटिशन हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो बंदा भी हमारे पास पटिशन लेकर आया है वो ऑलरेडी बेल पे है, उन पर पहले से भी एलिगेशन लगाए गए थे, तो वो भी यहाँ पे कुछ क्रिप्टो के रिगार्डिंग यहाँ पे उनकी अच्छी खासी ट्रेडिंग है, कुछ साथ में ऑफिंग भी करते हैं, तो वैसा बंदा यहाँ पे हमारे पास आया है कहने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके वजह से मार्केट में थोड़ा सा अगर हम इसको प्रूव भी करते हैं तो ये लोगों को लॉन्ग पोजीशन ओपन करवा सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर के बीच में, जैसे होता ना कुछ ग्रुप के बीच में लोगों को बता देना कि ये कॉइन पंप होगा, ये होगा, वो होगा, अब फ्यूचर में ओपन कर लो, तो बहुत मोटा मोटा पैसा यहाँ पे लगाया जाता था। इस वजह से भी इनको जो है इस वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके साथ में एक और रीज़न था कि ये क्रिमिनल से संबंधित, और थर्ड रीज़न यहाँ पे ये हो जाता है कि इस समय गवर्नमेंट हमारी ऑलरेडी रेगुलेशन पे काम कर रही है, तो ये आखिरकार बोलेंगे किनको, गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ऑलरेडी कह देगी कि हमने पहले से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो क्योंकि रेगुलेशन पे समय लगेगा, इंस्टेंटली बिल कोई भी पास नहीं हो जाता यहाँ पर, कोई बिल नहीं बन जाता, उसमें एक टाइम लगता है, उस टाइम के साथ साथ में यहाँ पे कह सकते हो कि उसमें हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, कौन सा चीज़ पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, जिससे कि हमें क्या यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, यहाँ पर आने वाले जो यूज़र्स हैं उनको क्या दिक्कत हो सकती है, इसका स्कैम वगैरह एक्टिविटी है, इसलिए इसको यहाँ पर थोड़ा रिजेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर
हमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा हम पे दिक्कत आ रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल है कि चलो जब तक गवर्नमेंट यहाँ पे इस पर बिल खुद यहाँ पे बना ही रही है तो इस पर कोई बंदा प्रेशर क्यों बनाएगा, जब ऑलरेडी कोई बंदा काम कर ही रहा है तो उन पर जाके प्रेशर क्या बनाएंगे कि भाई आपने ये नहीं करा वो नहीं करा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, हर एक बंदे को पता है कि कोई भी कंट्री इंस्टेंटली बिल नहीं बना देती, बिल बनाने के लिए बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर ये बात बोलकर उन्होंने यहाँ पर इस केस को रिजेक्ट कर दिया, या फिर आप कह सकते हो कि जो पटिशन दिया गया था उस पटिशन को रिजेक्ट कर दिया गया, और ऊपर से जिस बंदे ने यहाँ पर ये पटिशन दिया था वो ऑलरेडी फ्रॉड एक्टिविटीज़ के बीच में पहले से बेल पे था। तो ये चीज़ें भी ठीक कहीं ना कहीं वैरी करती हैं, तो ये सारा कुछ घुमा फिरा के जो है इनके पटिशन को लेकर यहाँ पर रिजेक्ट कर देगा। तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, पर ये इस समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट पैनिक है, तो इसका कुछ न्यूज़ वाले वेबसाइट वाले कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा कर पोस्ट कर सकते हैं, जिस वजह से आपको थोड़ा पैनिक किया जा सकता है। तो यही सारा कुछ अपडेट था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा था आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम पे जो है नहीं करें तो आप कर सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई कॉल्स आती है, अपडेट्स आते हैं, हिंट आते हैं, कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी बताना है बहुत पहले, मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा, जिसको यूज़ करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेलीग्राम पर डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट लिंक से भी आप जो डिस्क्रिप्शन में लेकर उस पर टैप करके ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर सकते हो क्रिप्टो हिंदुस्तान, तब भी चैनल मिल जाएगा, तब भी जाकर आप डायरेक्ट यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।